नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। मुंबई में भारी बारिश के बीच ग्रांट रोड पर एक हादसा हुआ है। ग्रांट रोड में एक पुरानी इमारत का हिस्सा ढह गया है। इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग घायल हैं। इसी बीच घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। इसके बाद बचाव कार्य शुरू हुआ। इस बीच इमारत में फंसे सभी नागरिकों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। रुबिनिसा मंजिल ग्रैंड स्टेशन रोड के बाहर एक इमारत है। सुबह 11 बजे एक इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल का हिस्सा ढह गया। घटना की जानकारी मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। इस बिल्डिंग में 20 से 22 नागरिक फंस गए थे। दमकल कर्मी नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए और उन्हें निकाल लिया। रुबिनिसा ग्रांट रोड पश्चिम में रेलवे स्टेशन के पास एक 4 मंजिला इमारत है। यह एक पुरानी इमारत है। इस इमारत का एक हिस्सा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस बीच सुबह से ही मुंबई में भारी बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। परिवहन पर भी काफी असर पड़ा है। सड़क परिवहन समेत स्थानीय सेवाएं देरी से चल रही हैं। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण कई जगहों पर यातायात रोक दिया गया है। इससे आम नागरिकों में परेशानी हो रही है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से आज 20 जुलाई को राजधानी मुंबई में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया, इसलिए फिलहाल भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सुबह पानी जम गया था, तो वहीं अंधेरी में सबसे 5 फुट पानी भर गया था। इस वजह से शब्बे को बंद करना पड़ा। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।